नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभिनेता सचिन श्रॉफ के बारे में। दोस्तों, सचिन श्रॉफ एक बिजनेसमैन और टीवी पर्सनालिटी हैं। वह एक अभिनेता, एंकर और डांसर हैं। टेलीविजन अभिनेता सचिन श्रॉफ ने जाने माने टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहता के रूप में शैलेश लोढ़ा की जगह ली है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता असित कुमार मोदी ने कहा था कि श्रॉफ ने लोढ़ा के बाहर निकलने के बाद काफी अटकलों के बाद लोढ़ा का पद संभाला है। सचिन श्रॉफ टेलीविजन पर एक लोकप्रिय नाम है और उनका जन्म 17 दिसंबर 1979 को मुंबई में हुआ। उन्होंने हर घर कुछ कहता है सहित कई शो में अभिनय किया है, जिसमें उन्होंने ज्ञान और नागिन की भूमिका निभाई है। उन्होंने लोकप्रिय शो बालिका वधू के पहले सीजन में भी अभिनय किया, जिसमें दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला भी थे। इसके अलावा सचिन ने सिंदूर तेरे नाम का, सात फेरे, सलोनी का सफर, नाम गुम जाएगा, सगुन और विश्वास में भी काम किया है। अभिनेता को हाल ही में प्रकाश झा के आश्रम सीजन 3 में भी देखा गया था, जिसमें बॉबी देओल की मुख्य भूमिका थी। इसके अलावा वह गुम है किसी के प्यार में भी नजर आए हैं। सचिन ने पहले टीवी स्टार जूही परमार से 15 फरवरी 2009 में शादी की थी। बाद में उन्होंने एक बच्ची का स्वागत किया, जिसका नाम उन्होंने जनवरी 2013 को समायरा श्रॉफ रखा। हालांकि सचिन और जूही ने जनवरी 2018 की शुरुआत में तलाक की अर्जी डाल दी। इसके बाद उनकी बेटी की कस्टडी जूही को दे दी गई। उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स की सहायता से निर्मित धारावाहिक कमल से अपनी शुरुआत की। के प्रसिद्ध टेलीविजन शो सगुन, हर घर कुछ कहता है, साल 2007-08, नागिन 2008, गृहस्थी 2009, गणेश लीला 2010, अनुदामिनी 2014-15, भारतवर्ष 2016, परमावतार श्री कृष्ण 2017-19 इत्यादि में काम किया। उन्होंने आश्रम में हुकुम सिंह के नाम के युवक का किरदार निभाया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता ने एक इंटरव्यू में सचिन श्रॉफ के आने की पुष्टि की और कहा, हाँ, हमने अपने शो में सचिन श्रॉफ को कास्ट किया है। शो में शैलेश लोढ़ा की जगह सचिन आ रहे हैं। सचिन ने शूटिंग भी शुरू कर दी है। शैलेश के साथ हमने बीच का रास्ता निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने शो छोड़ दिया। शैलेश शुरू से ही शो का हिस्सा थे, हालांकि उन्होंने इस साल की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया था। और यह भी कहा जा रहा है कि शैलेश अधिक अवसर तलाशना चाहते थे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।